जिन नजरों को मांगा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था। आपने ऐसी कृपा करी बाबा, अब वो भी गले लग गए, अपनापन जताते हैं, अब वो भी गले लग कहे अपनापन जताते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता जब कोई किसके लिए आया है, किस किसने कृपा महसूस करी है। अगर वाकई आया है आपके लिए, कुछ मत करना, बोले हाथ नीचे करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहना और साथ में भजन गाते रहना, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और मेरे पास उसको देने के लिए हमारा अपना कुछ नहीं है। जय हो। उसके दरबार में अगर हम एक माचिस की तीली भी लेके आते ना, तो ये उसकी कृपा से, उसने दिया है तभी लेके आ पा रहे, नहीं तो आपका और हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारे पास अपना सिर्फ ये है और ये, अगर ये भी ना दिया तो दरबार में आने का कोई फायदा नहीं और भजन कराने का कोई फायदा नहीं। आइए मिलके मीठी मीठी तालियों के साथ, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाने किसके लिए आया, किस किसने कृपा को महसूस करी, एक बार तालियों की सेवा एक साथ, एक दो तीन चार। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता शाम ही आते हैं, जब कोई मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं।
कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते। लो जान लिया हमने, भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने। तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने, जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं। आगे वाली लाइन थोड़ी कड़वी है, हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन सांच को आँच नहीं होती और कभी भी सत्य बोलने में इंसान को डरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं आजकल कीर्तन की सफलता का पैमाना इस बात पे तय होने लगा है कि किसने आके कितनी देर नचाया। क्या बात है, किस कीर्तन में लोग कितनी देर नाचे। जिस कीर्तन में लोग 5 घंटे के कीर्तन में 4 घंटे नाचे वो कीर्तन सफल, और जिस कीर्तन में लोग 5 घंटे के कीर्तन में 2 घंटे नाचे वो कीर्तन फेल। ये सफलता का पैमाना आजकल तय हो रहा है, लेकिन विश्वास मानिए मीराबाई, कर्माबाई, आलू सिंह जी महाराज, श्याम बहादुर जी महाराज, नरसी जी, सुदामा, ये जितने ठाकुर के प्रेमी है ना, इन लोगों ने भजन गा के ठाकुर को पाया था, डिस्को करके नहीं। क्या बात है, तालियां बजाओ ना। आजकल कीर्तन में आते थे हमारे पास कितने लोग आएंगे, दीदी हमारे यहाँ तो झूमने वाला माहौल एकदम नचा दिले। ए भाई, जिसको ठाकुर नचाए वो नाचता है। सुनो जो कह रही थी, जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, वरना यूं तो लाखों पापी प्रेमी कहलाते हैं। मीराबाई ने ठाकुर को पाके नाचा था, तब बोले थे मेरो तो गुरुधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ नाचना है, कीर्तन को कीर्तन रहने देना है कि मनोरंजन का साधन बनाना है। सुनिए, राहों के अंधेरों से बताती हूँ मेरे साथ जो हुआ था। अतुल भी आपने पूछा था ना, ऐसा भी हुआ था क्या, 25 दिसंबर 2019 को मेरे को आना था पहली बार ग्वालियर। ये बात मैंने मंडल में जिनसे मेरी बात हुई थी उन लोगों को बताई थी, 25 दिसंबर 2019 को मुझे पहली बार ग्वालियर आना था। मेरे से सारी बात हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, मैंने टिकट बना ली। अच्छा उस समय तक ये ना एडवांस वाला चक्कर नहीं था अपने साथ कि नहीं भैया पहले आप एडवांस दो फिर आपकी बुकिंग अपन कन्फर्म मांगेंगे, ठीक है। मैंने वो एडवांस लिया नहीं था, सारी टिकट बन गई। और जब मैंने 23 तारीख को बैनर देखा उसमें सबकी फोटो थी, मेरी गायब थी। मैं बोली ये क्या हो गया भाई साहब। फिर मैंने आगे से फोन किया, मैंने पूछा भाई साहब
ये फोटो में तो मैं दिख ही नहीं रही, मतलब फोटो गलत बनेगी क्या? बोले नहीं नहीं आप फोटो गलत नहीं बनी, आप कैंसिल हो गए हो। अच्छा अब उस पे आदमी बोले क्या? अब मैं क्या बोलती हूँ? मेरे को ये लगा कि ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। और मैंने उसी दिन बाबा से बोला था कि बाबा अब जिस दिन ग्वालियर आऊंगी उस दिन आपकी मर्जी से ऐसे आऊंगी कि फिर दुनिया पूरी दुनिया देखेगी और उन्होंने जिन्होंने बोला के कैंसिल किया था वो भी देखेंगे। उनका नंबर आज भी मेरे मोबाइल में फीड है और बकायदा नाम के बाद 25 दिसंबर ग्वालियर। उनके लिए है कि मेरे साथ है और मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। कल वो ही उठाएंगे जो आज की रातें हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज की रातें हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही जब कोई नहीं आता मेरे शाम विश्वास अगर पाका ये दौड़ के आएंगे रिश्ता तो बनाए इनसे ये प्रीत निभाएंगे। हर बार ये आए हैं ये लोग बताते हैं, हर बार ये आए हैं ये लोग बताते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम। और बहुत सुंदर लाइनें मेरे भाई ने लिखी, मेरे भाई का जिक्र हुआ था मेरे आते के साथ। भलाई कर और सबसे बड़ी बात कोई देखे या ना देखे सांवरा देखता होगा भलाई कर। मदद करके गरीबों की कभी अभिमान मत करना, क्यों ये दुनिया चार दिन की है फिर उसके बाद क्या होगा भलाई कर। सबके करमों का लिखा ही हमारे साथ जाएगा। और दुनिया के सामने कितनी भी कॉलर ऊंची कर ले
कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। उसको पता है कि हमारी औकात कितनी, हम कितने पानी में। शाम के सामने कर्मों का सबके फैसला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जमाना जमाना व्यस्त है, देखो दूसरों की बुराई में, इधर जाओ तो उसकी चुगली, उधर जाओ तो उसकी चुगली, इधर आओ तो उसकी चुगली, और उधर जाओ तो इसकी चुगली। मतलब जहां जाओ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। लास्ट में तो कभी कभी ऐसा लगता है भैया किसी ने बम लगा दिया और फटने लगे बिल्कुल। उनके लिए है ये। जमाना व्यस्त है देखो दूसरों की बुराई में, नजर आता नहीं कि छेद है खुद की सुराई में। बोले ना, पूरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये चीज याद आनी चाहिए कि एक उंगली सामने वाले की तरफ, तीन उंगली हमारी तरफ, और एक उंगली कि वो देख रहा है कि नहीं, सही है कि गलत। जमाना व्यस्त है देखो दूसरों की बुराई में, नजर आता नहीं कि छेद है खुद की सुराई में। किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले तुझे खुद के गिरेबां में ही पहले झांकना होगा, कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे सांवरा देखता होगा, भलाई कर तो हर कोई समझ लेता, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे लिए कोई नहीं समझता। सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पांव नहीं देखे, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। कीर्तन की तैयारी कितने दिनों से करी आपने? एक महीना, एक महीना, डेढ़ महीना। आपको एक सलाह देके जाना चाहती हूँ, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो मेरे साथ वापस भेज देना। देखो आप सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे इसमें, इस कीर्तन के बाद भी जिनका मन अच्छा होगा, जिनको ठाकुर से प्रेम हुआ, वो बोलेंगे वाह बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी करी, कितना अच्छा कीर्तन हुआ। उनकी मेहनत हमेशा ऐसे ही रंग लाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो बोले मजा कर नहीं आया, यो कमी थो आ, वो कमी थो, अइया को हो गयो, वइया को हो गयो,
ये कमी हो गई, जगह कम पड़ गई, पानी नहीं मिला, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। उन बातों को ना यहाँ मत लाना। मैंने एक बात बोली थी और पता नहीं, देखो जो सत्य होता है ना उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। मेरे मैंने बोल दिया और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई कि दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए हम नहीं आए। और ये मेरे, ये मैंने ना अपने जीवन में अब बना लिया है कि बहुत हो गया। मैंने बहुत कोशिश करी सबको खुश रखने की, लेकिन बाद में समझ में आया कि सबको खुश रखना एक तराजू में मेंढकों को तोलने के बराबर है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा होगा और कुछ भाई सब बोलेंगे चालू हो जाओ चालू। तो मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि दुनिया को सर्टिफिकेट नहीं देना, जिसको लेना है वो सामने बैठा है, फिक्र उसकी करना, दुनिया की मत करना। वो खुश तो दुनिया खुश, वो नाराज तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है। दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए अपन कि दुनिया से सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, दुनिया से सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, और जब मिल के जाओगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे, इस बात। सबने हंसता इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई मेरे शाम आते हैं। बाबा आया था, आता है और आता रहेगा।